अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। और आज जो है हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी। और बगैर देर किए हम सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साइज के मैंगो, ठीक है। ये ध्यान आपने रखना है कि जो मैंगो आपके पास हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, खुशबूदार और जो है मीठे होने चाहिए। उसके अलावा जी हमने ये लिए है 1 कप पाउडर शुगर, और जी 1 कप मैंने ली है पैकेट वाली क्रीम, ठीक है। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो आप वो ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जी 2 पैकेट मैंने लिए हैं क्रश्ड बिस्किट के, विदाउट क्रीम वाले। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। वो मेरे पास जो इस टाइम अवेलेबल थे मैंने वो 2 पैकेट ले लिए हैं, उसको इस तरह से क्रश कर लिया। आप चाहें तो क्रश ना करें, उनको ऐसे ही रहने दें। उसके अलावा जेली ली है मैंने, मैंगो जेली ही ली है, ठीक है। क्योंकि हमारा मैंगो वाला डिज़र्ट बन रहा है तो हर चीज़ हमें सेम ही चाहिए, सेम फ्लेवर, क्योंकि कोई डिफरेंट फ्लेवर हम उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब ये सब चीज़ें हैं हमारे पास और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो है मैं जेली बना के रख लूँगी। स्टेप जो था हमारा हो चुका है, जेली बना के हमने रख लिया है साइड पर। अब सेकेंड स्टेप ये है जी, हमने बना लेनी है मैंगो प्योरी। क्रीम की बारी, तो हमने क्या करना है, क्रीम के अंदर ऐड करना है ये जो 1 कप शुगर है, ये हम हाफ ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। हाफ जो है कप जो शुगर का वो ऐड करेंगे। पाउडर शुगर आपने लेनी है क्योंकि हमने इसको मिक्स करना है, तो जो अगर हम दूसरी वाली ले लेंगे शुगर तो वो बहुत देर लगेगी और बहुत ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, मैंगो आपने चेक कर लेने हैं उसके हिसाब से कि कितने मीठे हमारे मैंगो हैं, हमने उस हिसाब से चीनी ऐड करनी है। 4 टेबलस्पून जो मिल्क है हम वो इसमें ऐड करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 बस। हमने जो है इसको अच्छे से फेंटना है तब तक जब तक हमारी चीनी जो है वो थोड़ी सख्त ना हो जाए, ठीक है। तेज़ हाथ से आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। बिल्कुल हो चुकी है डन इस तरह से, ये देखें जब सख्त होगी तो समझ जाएं कि आपकी क्रीम जो है वो रेडी है। अब हमने क्या करना है, हमारी जो मैंगो प्योरी है वो भी रेडी है, हमारी जेली भी बिल्कुल रेडी है। जो हमारे 2 मैंगोज पड़े हुए थे उसको हमने इस तरह से स्मॉल क्यूब कट कर लेना है, जेली को भी हमने सेम इसी तरह से स्मॉल क्यूब कट कर लेना है। क्रीम भी हमारी रेडी है, अब जो है हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बिस्किट्स जो हैं इस तरह से हम फैला लेंगे डिश के अंदर। क्रीम जो है हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड करेंगे। अब जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास ये मैंगो जो हमने क्यूब कट किए हुए हैं। जो हमारी मैंगो प्योरी हमने बनाई हुई थी वो ऐड करेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से। फोर्थ लेयर है वो होगी जेली की। फोर लेयर्स थी वो डन हो चुकी हैं। अब ये सेम हमने रिपीट करना प्रोसेस, बिस्किट फिर उसके बाद क्रीम फिर उसके बाद मैंगो प्योरी फिर उसके बाद मैंगोज और जो है उसके बाद जेली। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 5 लेयर्स हैं, सॉरी 4 मैंने बोल दिया आपको। जो 4 लेयर्स हैं 5 लेयर्स हैं वो डन है, ये सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है इसी तरह से, ठीक है।
ये देखिए जी, ये डिश में मैंने इसको सारा सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रखना है तीन से चार घंटे मैक्सिमम जो है 3 से 4 घंटे इसको चाहिए। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। और आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने फ्रीज़र में इसको जो नीचे सबसे फ्रीज़र का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें नहीं रखना, जो जाली होती है फ्रीज़र के जो दरमियान में जाली होती है उसके ऊपर आपने इसको रखना है, ताकि ना नीचे से ये बिल्कुल जम जाए और ऊपर से वैसे का वैसे रहे, ना ये ऊपर से ठंडा हो तो नीचे से बिल्कुल वैसे ही रहे। आपने इसको जाली पे जो जब रखेंगे तो ये इक्वल हर जगह से ठंडा होगा, ऊपर से भी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा और अंदर से भी अच्छे तरीके से जो है ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको जो है ठंडा करके 3 से 4 घंटे के बाद इसको सर्व करें और इन्जॉय करें, तो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये डिज़र्ट बनता है। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और आजकल जो है मैं वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रही, क्योंकि आप लोगों को पता है ईद आने वाली है तो रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि ईद के बाद से रेगुलर वीडियोस बनाया करूँ। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।